ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामना के उपदेश उनके अपने शब्दों में इस श्रृंखला में ये आठवां वीडियो है। वीडियो प्रश्नोत्तरी से शुरू होता है। हम सेल्फ इंक्वायरी आत्मा अनुसंधान का टॉपिक इस पर बात कर रहे हैं। आत्मा अनुसंधान का अभ्यास कैसे किया जाता है, इस पर साधक भगवान रामना से प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न, साधक को यह अभ्यास किस प्रकार शुरू करना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, मैं कौन हूँ, इस अन्वेषण से ही मन शांत होगा। चिता को सकोरने की लकड़ी की तरह मैं कौन हूँ यह विचार अन्य सब विचारों का नाश करके स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यदि दूसरी विचार प्रकट हों तो साधक को उनको पूरा किए बिना वे किसी उत्पन्न हुए इसकी तलाश करनी चाहिए। कितने भी विचार उत्पन्न हों इससे क्या हानि है। प्रत्येक विचार जिस अक्षण उत्पन्न हो उसी अक्षण यदि साधक यह शुरू करे कि वह किसे उत्पन्न हुआ तो उत्तर होगा मुझे। तब यदि वह इस मैं की तलाश करे तो मन वापस मुड़कर अपने उद्गम स्थान, उद्गम स्थान का मतलब है सोर्स, आत्मा की ओर अभिमुख होगा। अभिमुख का मतलब होता है इट विल बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स, और मन के साथ अभी अभी उत्पन्न हुआ विचार भी शांत हो जाएगा। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मन की अपने जन्म स्थान में बने रहने की शक्ति बढ़ती है। यद्यपि सागर की लहरों की तरह युगों से उत्पन्न होती रहने वाली असंख्य वासनाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन जैसे जैसे अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान बनाए रखने का अभ्यास दृढ़ होता जाएगा वे सब नष्ट हो जाएंगी। क्या इन सारी वासनाओं का नाश करके केवल आत्म रूप बने रहना संभव है। ऐसे संदेह को भी अवकाश ने देकर साधक को दृढ़ता से निरंतर आत्म भान के सूत्र को पकड़े रहना चाहिए। जब तक चित्त में विषय वासनाएं विद्यमान हैं, तब तक मैं कौन हूँ की तलाश आवश्यक है। जब विचार उत्पन्न हों उन्हें इस तलाश द्वारा उसी समय वहीं के जन्म स्थल में नष्ट कर देना चाहिए। जो आत्मा से अन्य है उसकी ओर ध्यान न देना वैराग्य है, और आत्मा को न भुलाना ज्ञान है। वस्तुतः ये दोनों एक हैं। जैसे कोई गोताखोर अपनी कमर पर पत्थर बांधकर सागर में गोता लगाकर उसके तल में रहे मोती पाता है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य वैराग्य पूर्वक अपनी भीतरी गहराई में डूबकर आत्मा को प्राप्त कर सकता है। निरंतर अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति को आत्मा अनुभव तक बनाए रखना पर्याप्त है। बंधन किसे है इसकी तलाश करके अपने सच्चे नित्य मुक्त स्वरूप को जानना मोक्ष है। मन को सतत आत्मा में जोड़ना आत्म अनुसंधान है। जबकि स्वयं अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है ऐसा विचार करना ध्यान है। प्रश्न, योगी कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्य को पाना चाहता है तो उसे दुनिया को छोड़कर एकांत वन में चले जाना चाहिए। उत्तर, कर्म में जीवन का त्याग आवश्यक नहीं है। यदि आप हर रोज एक या दो घंटे ध्यान अभ्यास करें तो आपके व्यावहारिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यदि आप सही पद्धति से ध्यान करें
तो ध्यान के दौरान उत्पन्न हुआ शांत मन का प्रवाह काम के इसमें भी जारी रहेगा। यह ऐसा ही है जैसे एक विचार को प्रकट करने के दो तरीके हों। आप जो दिशा ध्यान में निश्चिंत करते हैं वही आपके कर्मों में प्रकट होगी। प्रश्न, ऐसा करने से क्या परिणाम होगा? उत्तर, यदि आप नियमित ध्यान अभ्यास करते रहेंगे तो मालूम होने लगेगा कि लोगों के, घटनाओं के, एवं पदार्थों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता जाता है। आपके कर्म अपने आप आपके ध्यान के अनुरूप होते चले जाएंगे। प्रश्न, तो आप योगियों के साथ सहमत नहीं हैं? उत्तर, मनुष्य को जगत से बांधने वाली व्यक्तिक स्वार्थपरता छोड़नी चाहिए। गलत अहम का त्याग सच्चा संन्यास एवं योग है। प्रश्न, जगत में व्यावहारिक जीवन जीने वाला निस्वार्थ कैसे हो सकता है? उत्तर, ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है। प्रश्न, आपका मतलब है कि अपने व्यवसाय में पूर्ववत कार्य करता हुआ मनुष्य ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, क्यों नहीं, लेकिन तब तक ऐसा नहीं सोचेगा कि उसका पुराना व्यक्तित्व कार्य कर रहा है। उसकी चेतना कर्म से बदलती जाएगी और अंत में अहम से परे पर रहे हुए तत्व में केंद्रित हो जाएगी। प्रश्न, यदि मनुष्य काम में लगा रहे तो ध्यान के लिए कम समय रहेगा? उत्तर, केवल नए साधक के लिए ध्यान के लिए अलग समय निकालना पड़ता है। जो आगे बढ़ रहा होता है वह कार्यरत हो या न हो, गहराई में मुक्ति का आनंद अनुभव करने लगता है। उसके हाथ समाज व्यवहार के कार्यों में व्यस्त होते हैं, तब उसका मस्तिष्क एकांत की शीतलता का अनुभव करता है। प्रश्न, तो आप योग मार्ग का उपदेश नहीं करते? महर्षि उत्तर देते हैं, योगी अपने मन को देह के प्रति छड़ी से बल को हाँक कर ले जाने वाला गोपाल की तरह ले जाता है। इस मार्ग में साधक हाथ में हरी घास रखकर बैल को ले जाने की तरह अनुरोध से काम लेता है। प्रश्न, यह कैसे किया जाता है? महर्षि उत्तर देते हैं, आप स्वयं को प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ? यह अनुसंधान अंत में आपको अपने भीतर मन से पर, मन के पीछे रहे हुए तत्व की ओर ले जाता है। अन्वेषण द्वारा इस महाप्रश्न का समाधान पाइए और आपको सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। प्रश्न, मैं को ढूंढने पर वहां कुछ नहीं दिखता? उत्तर, क्योंकि आपको शरीर के साथ आत्मा को एक रूप मानने की आदत हो गई है। आप कहते हैं कि वहां आपको कुछ नहीं दिखता, वहां क्या देखना है? कौन देखने वाला है? वह कैसे दिखता है? केवल एक चैतन्य है जो अहम विचार रूप में प्रकट होकर स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है तथा नेत्रों के माध्यम से स्वयं का चारों ओर प्रक्षेपण करके वस्तुओं को देखता है। वह जागृत अवस्था में सीमित होने के कारण स्वयं से भिन्न कुछ देखना चाहता है। उसकी इंद्रियों का प्रमाण सच्चाई की मुद्रा मोहर है, लेकिन वह इस तथ्य का स्वीकार नहीं करेगा कि दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन उसी एक अहम अहम रूप से स्फुरित होने वाले चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ध्यान से मनुष्य इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि आत्मा कोई दिखाने वाला पदार्थ है। सत्य यह है कि वहां दिखने वाली कोई वस्तु नहीं है। आप इस समय मैं का अनुभव किस तरह करते हैं? क्या आप अपने को जानने के लिए आपके समक्ष दर्पण रखते हैं? सभानता मैं है उसका अनुभव कीजिए, वह सत्य है। प्रश्न, विचारों के उद्गम स्थान की तलाश करने पर अहम की प्रतीति होती है, लेकिन उससे मुझे संतुष्ट नहीं होता। उत्तर, बिल्कुल ठीक है। अहम की प्रतीति रूप के साथ, संभवतः शरीर के साथ जुड़ी हुई है।
शुद्ध आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आत्मा असंयुक्त शुद्ध सत्य है जिसके प्रकाश में अहंकार और शरीर प्रतीत होते हैं। सब विचारों के रुक जाने पर शुद्ध चेतन शेष रहती है। शुद्ध चेतना शेष रहती है नींद से जगने पर तुरंत, अर्थात जगत के बारे में सबान होने से पहले वह शुद्ध अहम अहम होता है। नींद के अधीन हुए बिना एवं दूसरे विचारों में उलझे बिना उसे दृढ़ता से पकड़ रखा जाए तो जगत के दिखने में कोई हानि नहीं होगी। दृष्टा दृश्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता। अहंकार क्या है इसका अन्वेषण कीजिए। शरीर अचेतन है वह मैं नहीं कह सकता। आत्मा शुद्ध अद्वितीय सत्ता है, चेतना है वह मैं नहीं कह सकता। कोई भी गहरी नींद में मैं नहीं कहता तो अहंकार है क्या। वह जड़ शरीर एवं आत्मा के बीच की कोई चीज है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। यदि गंभीरता पूर्वक उसकी तलाश की जाए तो प्रेत की तरह वह अदृश्य हो जाता है। रात्रि में अपने निकट छाया हिलने से मनुष्य कल्पना करता है कि कोई भूत या प्रेत है। यदि वह निर्भय होकर ठीक से देखे तो उसे पता चलता है कि वास्तव में कोई भूत नहीं है और जिसे वह प्रेत समझता था वह पेड़ या खंभा है। यदि वह ठीक से न देखे तो प्रेत उसे भयभीत करेगा। केवल ठीक से देखना तलाश करना जरूरी है तब प्रेत अदृश्य हो जाता है। वहां प्रेत था ही नहीं, अहंकार भी इसी प्रकार का आभास है। वह शरीर और शुद्ध चैतन्य के बीच की अप्रत्यक्ष कड़ी है, वास्तविक सत्य नहीं है। मनुष्य जब तक उसे ठीक से देखता परखता नहीं तब तक वह उसे परेशान करता रहता है, लेकिन जब वह उसकी ठीक से तलाश करता है तो उसे यह पता चलता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। इस तथ्य को समझाने के लिए एक कहानी है। हिंदुओं के विवाह प्रसंग में प्राय 5-6 दिन तक समूह भोजन समारोह चलते रहते हैं। ऐसे एक प्रसंग में कन्या पक्ष वालों ने गलती से एक अपरिचित व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ मान लिया और उस विशेष आदर से उसका स्वागत इत्यादि करने लगे। कन्या पक्ष वालों को उसके साथ विशेष आदर से पेश आते देख वर पक्ष वालों ने उसे उनका कोई महत्वपूर्ण आदमी मान लिया और वे भी उसके साथ विशेष आदर प्रदर्शित करने लगे। उस अनजान आदमी का समय बड़े आनंद से गुजरने लगा। वह हमेशा सच्ची स्थिति को जानता था। एक बार वर पक्ष वालों ने किसी विशेष हेतु से उसके बारे में कन्या पक्ष से पूछताछ शुरू की। तुरंत वह आने वाली मुसीबत को ताड़ गया और चुपचाप भागा वहां से। अहंकार के बारे में भी ऐसा ही है। यदि उसका परिचय पाने की प्रवृत्ति की जाए तो वह लुप्त हो जाता है, यदि नहीं तो वह परेशान करता रहता है। प्रश्न: यदि मैं अहम व्यक्ति की तलाश करता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, जब तक आप जागते रहें तब तक तलाश जारी रखिए, यह पर्याप्त है। नींद आए तब तक तलाश जारी रखने से नींद के दौरान भी वह जारी रहती है। जगने पर फिर से तलाश शुरू कीजिए। प्रश्न: मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? विचार से शांति नहीं मिलती। उत्तर: शांति आपकी स्वाभाविक अवस्था है। मन इस सहज अवस्था पर आवरण डाल देता है। यदि आपको शांति का अनुभव नहीं होता तो इसका अर्थ यह है कि आप विचार का अभ्यास मन से करते हैं। तलाश कीजिए कि यह मन क्या है और वह लुप्त हो जाएगा। विचार से अलग मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर भी चूंकि विचार प्रकट होते हैं आप ऐसे स्थान की कल्पना करते हैं जहां से विचार प्रकट होते हैं और आप उसे मन कहते हैं। जब आप मन क्या है इसकी खोज करते हैं
तो आपको मालूम होता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार मन लुप्त होने पर आपको शाश्वत शांति मिलती है। प्रश्न, जब मैं के मूल की तलाश करता हूँ तो शांत अवस्था का अनुभव होता है, जिससे आगे जाने में मैं स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। मुझे कोई विचार नहीं आता और केवल शून्य होता है, एक प्रकार सौम्य व्यापक प्रकाश होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यह शरीर मैं हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं होता और शरीर या रूप नहीं दिखता। ऐसा आनंददायक अनुभव आधे घंटे तक रहता है। क्या मेरा यह निर्णय सही है कि अखंड आनंद अर्थात निर्वाण या मोक्ष कुछ भी कहा जाए, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास से ऐसी अनुभव की अवस्था में घंटों तक, दिवसों तक, महीनों तक रहना जरूरी है? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, इसका अर्थ मोक्ष नहीं है। इस अवस्था को मनोलय या विचारों के अस्थाई निश्चल अवस्था कहा जाता है। मनोलय एकाग्रता की वह अवस्था है जिसमें विचारों की गति कुछ समय के लिए रुक जाती है। जब यह एकाग्रता समाप्त होती है तब पुराने और नए विचार पूर्ववत उत्पन्न होते हैं। यह मन के उपशमन की अस्थाई अवस्था यदि 1,000 वर्ष तक रहे तो भी वह विचारों के संपूर्ण नाश की ओर नहीं ले जा सकती, जिसे मोक्ष या जन्म मरण रूप संसार से हमेशा के लिए छुटना कहते हैं। इसलिए अभ्यासशील साधक को निरंतर सतर्क रहना चाहिए और आंतरिक रूप से यह अन्वेषण करना चाहिए कि इस आनंद का अनुभव करने वाला कौन है। इस अन्वेषण के अभाव में वह दीर्घ काल तक रहने वाली समाधि या योग निद्रा में चला जाएगा। आध्यात्मिक साधना की इस भूमिका पर योग्य मार्गदर्शक के बिना कई लोग इस भ्रम के शिकार हुए हैं कि यही मोक्ष है, और बहुत कम साधक देह तक सुरक्षित रूप से पहुंच पाए हैं। इस हकीकत को यह कथा अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। एक योगी गंगा किनारे कई सालों से तप कर रहा था। जब उसने एकाग्रता की ऊंची भूमिका प्राप्त कर ली तो उसने यह मान लिया कि इस अवस्था में लंबे अरसे तक रहना मोक्ष है, और उसी का अभ्यास करने लगा। एक दिन गहरी समाधि में जाने से पूर्व उसी प्यास लगी और शिष्यों से गंगा से थोड़ा पीने का पानी लाने को कहा, लेकिन जल लेकर शिष्य आए तब तक वह योग निद्रा में जा चुका था और उस अवस्था में बहुत वर्षों तक रहा, जिसके दौरान गंगा प्रवाह दूर हट गया था। जब वह उस अवस्था से जागा तो तुरंत उसने कहा, पानी पानी, लेकिन न तो वहां शिष्य थे न गंगा का प्रवाह। सबसे पहले जो चीज उसने मांगी वह पानी था, क्योंकि समाधि में जाने से पूर्व उसके मन की ऊपरी सतह पर पानी का विचार था, और मन को एकाग्र करके चाहे वह एकाग्रता कितनी ही गहरी और लंबे अरसे तक रहने वाली क्यों न हो, उसने सब विचारों को अस्थाई रूप से शांत कर दिया था। जब उसकी चेतना वापस आई तो वह ऊपरी सतह वाला विचार पूरी शक्ति एवं विवेक के साथ वर्षाकालीन बांध तोड़कर बहने वाली नदी के बाढ़ के प्रवाह की तरह ऊपर आ गया। ध्यान में बैठने के पूर्व क्षण में आए विचार का यदि यह प्रभाव है तो इसमें संदेह नहीं कि उससे पहले लंबे समय के दृढ़ मूल हुए विचार भी उसी तरह सुरक्षित बने रहेंगे। यदि सब विचारों का नाश मोक्ष है तो क्या उसने मोक्ष पा लिया था, ऐसा कहा जा सकता है? साधक अस्थाई मनोलय तथा स्थाई मनोनाश के भेद को ठीक से समझते नहीं। मनोलय में विचार तरंगों का अल्प विराम होता है, जिसका अवधि चाहे 1,000 साल का भी हो, उसका अंत होते ही विचार पुनः उत्पन्न होते हैं। इसलिए साधक को अपने आध्यात्मिक विकास का सावधानी से निरीक्षण करता रहना चाहिए।
विचारों के इन अल्प विराम वाले अवधियों से उसे भ्रम नहीं पड़ना चाहिए। जिस अक्षण ऐसा मनोलय हो उसी अक्षण चेतना को पुनः प्रबुद्ध करके आंतरिक रूप से अन्वेषण करना चाहिए कि कौन इस विराम का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति या विचार को प्रश्रय न देते हुए साधक को इस योग निद्रा या आत्म सम्मोहन से भी अवश्य बचना चाहिए। यद्यपि यह ध्येय के प्रति प्रगति का चिन्ह है, फिर भी यह वह बिंदु है जहाँ से मोक्ष और योग निद्रा के मार्ग अलग होते हैं। मोक्ष का सबसे सरल सीधा एवं छोटा मार्ग विचार मार्ग है। इसे अन्वेषण से आप विचार शक्ति को तब तक गहराई में ले जाते हैं जब तक वह अपने जन्म स्थान तक पहुँचे और उसमें समा जाए। तभी आपको भीतर से प्रत्युत्तर मिलेगा और आप सफलतापूर्वक यह जानेंगे कि सब विचारों व्यर्थियों को हमेशा के लिए नाश करके आपको पूर्व विराम मिल गया। प्रश्न, यह अहम विचार मुझ में प्रकट तो होता है पर मैं आत्मा को नहीं जानता। महर्षि उत्तर देते, यह सब मानसिक ख्याल है। इस समय आप एक गलत अहम से तादात्म्य कर रहे हैं जो अहम विचार है। इस अहम विचार का उदय अस्त होना होता रहता है, लेकिन अहम का जो सच्चा अर्थ है वह उदय अस्त से परे है। आपके होने में कहीं भी कटाव या विराम नहीं हो सकता। जो सोए थे वही आप जगे हैं। गहरी नींद में आपको कोई दुख नहीं होता, लेकिन अब है। इस समय ऐसा क्या हुआ है जिससे इस फर्क का अनुभव होता है? नींद में अहम विचार नहीं था, अब है। सच्चा अहम दिखता नहीं और झूठा अहम आत्मा बनकर स्वयं को दिखा रहा है। यह मिथ्या अहम आपके सच्चे अहम के ज्ञान का विरोधी है। तलाश कीजिए कि यह झूठा अहम कहां से उत्पन्न होता है, तब वह लुप्त हो जाएगा। तब आप वस्तुतः जो हैं पूर्ण सत्ता हैं वही रहेंगे। प्रश्न, इसको कैसे सिद्ध किया जाए जब तक मुझे सफलता नहीं मिली? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, अहम विचार के मूल की तलाश कीजिए। बस यही एक काम मनुष्य को करना है। अहम विचार के कारण विश्व का अस्तित्व है। यदि वह समाप्त होता है तो दुख का भी अंत होता है। अहम विचार केवल उसके मूल की तलाश करने पर नष्ट होगा। लोग प्राय पूछते हैं कि मन का निग्रह कैसे किया जाए। मैं उसको कहता हूँ, मुझे मन दिखाइए, तब आप जानेंगे कि क्या करना है। हकीकत यह है कि मन केवल विचारों का समूह है। अतः आप उसे नष्ट करने के विचार से या इच्छा से कैसे नष्ट कर सकते हैं? आपकी इच्छाएं एवं विचार मन का भाग हैं। मन नए विचारों से पुष्ट होता है, इसलिए मन के साधन से मन को नष्ट करने का प्रयत्न मूर्खता है। इसका एक ही मार्ग है कि मन के मूल का अन्वेषण करने का सूत्र दृढ़ता से पकड़ रखा जाए, तब वह अपने आप अक्षीण होकर लुप्त हो जाएगा। योग चित्त वृत्तियों के निरोध का उपदेश करता है, लेकिन मैं आत्मा अनुसंधान की बात कहता हूँ। यह व्यवहारिक मार्ग है। चित्त वृत्ति निरोध तो नींद में, मूर्छा में या अनशन से अपने आप होता है, लेकिन कारण निवृत्त होने पर विचार वापस आ जाते हैं तो निरोध का क्या उपयोग है? मूढ़ता में शांति होती है, कोई दुख नहीं होता, लेकिन उसके समाप्त होते ही दुख वापस आ जाते हैं। इसलिए निरोध निरर्थक है, उससे स्थाई लाभ नहीं हो सकता। तो शांति को स्थाई कैसे बनाया जाए? दुख के कारण की तलाश करके। पदार्थों को देखने पर दुख होता है, यदि वे न रहें तो उनसे संबंध विचार नहीं रहेंगे और दुख नाश होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि पदार्थों का अभाव कैसे हो? श्रुति और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पदार्थ केवल मन के सर्जन हैं, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। इस विषय की तलाश करके इस विधान की सत्यता को निश्चित रूप से समझिए। इस तलाश के परिणाम
स्वरूप यह निर्णय होगा कि वस्तु सत्ता रूप जगत आत्म सत्ता रूप चैतन्य में विद्यमान है। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि केवल आत्मा सत्य है, जो विश्व में व्यापक है और विश्व को घेर कर ठहरा हुआ है। चूंकि द्वैत है ही नहीं, विचार उत्पन्न नहीं होंगे और आपकी शांति को भंग नहीं करेंगे। इसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। आत्मा नित्य है और उसका अनुभव नित्य है। जब भी कोई विचार आपको परेशान करे तो प्रत्येक समय अपने अंदर आत्मा में उसे वापस लाकर लीन कर दीजिए। यह अभ्यास है। यह चित्त की एकाग्रता या विनाश नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा में स्थिति है। प्रश्न, एकाग्रता क्यों बेअसर है? उत्तर, मन से मन को नष्ट करने के लिए कहना चोर को पुलिस बनाना है, वह आपके साथ चलेगा, चोर को पकड़ने का दिखावा भी करेगा, लेकिन इससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपको अवश्य भीतर की ओर मुड़ना होगा। और मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यह स्वयं मन से अलग होकर देखना होगा, तब उसका अस्तित्व मिट जाएगा। प्रश्न, मन को भीतर की ओर मोड़ते समय भी क्या हम आप मन का प्रयोग नहीं करते? महर्षि उत्तर देते हैं, बेशक हम मन का प्रयोग करते हैं। यह प्रसिद्ध एवं स्वीकृत सत्य की मनोनाश मन की सहायता से ही सिद्ध होता है। लेकिन प्रारंभ में ही यह कहना कि मन है और आप उसे मारना चाहते हैं उचित नहीं है। इसके बजाय आप मन के जन्म स्थान का अन्वेषण करें तो आपको मालूम होगा कि मन का अस्तित्व ही नहीं है। बहिर्मुख मन विचारों एवं पदार्थों के रूप में परिणत होता है। अंतर्मुख मन स्वयं आत्मा बन जाता है। प्रश्न, अब भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहते हैं कि वर्तमान अहम मिथ्या है, इसको कैसे हटाया जाए? उत्तर, आपको गलत अहम को हटाना नहीं है, अहम स्वयं को कैसे हटा सकता है? आपको जो करना आवश्यक है वह सिर्फ इतना कि उसके मूल को ढूंढकर वहीं रहना है। आपके प्रयत्न की पहुंच केवल यहाँ तक है, तब पर तत्व अपने आप को संभालेगा। वहां आप असहाय हैं, कोई प्रयत्न वहां पहुंच नहीं सकता। प्रश्न, यदि मैं हमेशा यहाँ और अभी हूँ तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं होता? उत्तर, बस यही बात समझनी है, अनुभव नहीं होता ऐसा कौन कहता है? क्या ऐसा सच्चा अहम कहता है कि मिथ्या अहम? इसकी परीक्षा कीजिए, आपको तब पता चलेगा कि यह मिथ्या अहम है। यह मिथ्या अहम रुकावट है जिसे हटाना जरूरी है, तब सच्चे अहम का आवरण हट जाएगा। मैंने अनुभव नहीं किया, यह भाव अनुभव के मार्ग में रुकावट है। वस्तुतः वह पहले से ही अनुभव गोचर है, कोई नया अनुभव आवश्यक नहीं है। अनुभव नई चीज नहीं है। यदि वह अब तक अस्तित्व में नहीं था और उसे अब अस्तित्व में आना हो तो वह अनित्य है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी होती है। यदि अनुभव नित्य नहीं है तो उसे प्राप्त करना बेकार है। इसलिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह ऐसा नहीं है जिसे नए सिरे से अस्तित्व में आना है, वही तो एकमात्र नित्य तत्व है। लेकिन रुकावट के कारण जाना नहीं जा रहा है और इसी को हम ढूंढ रहे हैं। जो हमें करना है वह यही कि रुकावट को या आवरण को हटाना है। जो नित्य है वह नित्य है, ऐसा अज्ञान के कारण नहीं जाना जा रहा है। अज्ञान रुकावट है, रुकावट पार कीजिए और सब अच्छा ही होगा। अज्ञान और अहम विचार एक हैं, उसके मूल की तलाश कीजिए और वह नष्ट हो जाएगा। अहम विचार प्रेत जैसा है, ठोस नहीं है, वह शरीर के साथ उत्पन्न होता है, बढ़ता है तथा नष्ट होता है। देहभान मिथ्या अहम है, इसे छोड़ना हो तो इसके मूल की तलाश कीजिए, दूसरा उपाय नहीं है। मैं हूँ ऐसा शरीर नहीं कहता, आप कहते हैं मैं कौन हूँ, इसकी तलाश कीजिए। उसके मूल का अन्वेषण करने से ही वह लुप्त होगा। प्रश्न, मन कितनी देर तक हृदय में स्थिर रहता है, रखा जा सकता है? उत्तर,
निरंतर अभ्यास से अवधि बढ़ती है। प्रश्न, उस अवधि के अंत में क्या होता है? उत्तर, मन अपनी वर्तमान साधारण स्थिति में आ जाता है। हृदय की एकता की जगह दृश्य विश्व की विविधता ले लेती है। इसे बहिर्मुख मन कहते हैं। हृदय के प्रति गति करने वाले मन को विश्रांत मन कहते हैं। जब साधक हर रोज इस प्रकार के अभ्यास का अवधि अधिक अधिक बढ़ाता है तो दोषों के दूर होने से मन शुद्ध हो जाता है और अभ्यास इतना सरल हो जाता है कि शुद्ध मन जिस अक्षण सौ मूल का अन्वेषण प्रारंभ करता है उसी अक्षण हृदय में लीन हो जाता है। प्रश्न, ध्यान में सच्चिदानंद आत्मा का एक बार अनुभव करने वाले साधक के लिए विध्यान अवस्था में स्वयं को शरीर मानना संभव है? उत्तर, हाँ यह संभव है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के परिपक्व होने पर उसका यह मिथ्या तादात्म्य लुप्त हो जाएगा। आत्मा के पूर्ण प्रकाश में भ्रम का अंधकार हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। सब वासनाओं का उन्मूलन किए बिना प्राप्त किया गया आत्मा अनुभव शिथिर नहीं होता। अतः वासना अक्षय के लिए अवश्य अभ्यास जारी रखना चाहिए। सभी वासनाओं के नष्ट होने पर ही ज्ञान एकंपे भाव से स्थिर रहता है। हमें युगों पुराने संस्कारों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है। वे सब जाएंगे। भूतकाल में जिन्होंने साधना की होती है उनकी वासनाएं तुलनात्मक दृष्टि से जल्दी चली जाएंगी, दूसरों के लिए कुछ देर से जाएंगी। मैं इस 8वें वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।